हेलो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल जहां पर आपको मिलती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और लेटेस्ट सभी जानकारी। तो मैं साक्षी शर्मा एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं ये बात कि संडे में हम आपके लिए वीकली फाइनेंशियली न्यूज़ एनालिसिस का एक वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें कि लास्ट जो हमारा वीक गया होता है उसमें कौन कौन सी हमारी फाइनेंस न्यूज़ बनती हैं, उसमें से टॉप जो न्यूज़ होती है उन सभी का एनालिसिस हम आपके साथ इस वीडियो के ज़रिए करते हैं। तो आज भी हम आपके लिए वीकली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का एक वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए हमारी जो ये आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं, जो कि आपके जो भी सेक्टर्स होते हैं उनकी नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा जो लास्ट वीक गया है अभी उसमें हमारी क्या क्या फाइनेंशियल न्यूज बनी है। सबसे पहली जो हमारी न्यूज इसमें बनी है वो है जुलाई महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में 10.4% की गिरावट आई है। यानी कि जो हमारा जुलाई का मंथ गया है उसमें अगर हम औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो उसमें जो है वो गिरावट आई है कितनी, 10.4% की। इसमें मुख्यतः जो हैं आपके काफ़ी सारे जो है इसमें फील्ड होते हैं, तो अलग अलग फील्ड की अगर हम बात करें आपके सामने तो टोटल जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो फील्ड होता है आपका उसमें 11.1% की, खनन क्षेत्र में यानी कि माइनिंग एरिया जो होता है आपका उसमें 13% की, और जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फील्ड होते हैं उसमें टोटल जो है 2.5% की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली है। क्योंकि अभी लास्ट जो फ्राइडे गया है तो उसमें जो गवर्नमेंट के आंकड़े हुए हैं उसके थ्रू ही ये जो जानकारी है वो सामने आई है, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्र में कितने कितने फीसदी गिरावट का जो सामना है वो करना पड़ा है। और साथ ही साथ इस दौरान क्या हुआ कि आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो उत्पादन रहा है उसकी अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो था वो जुलाई के मुकाबले 10.9%, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट के जो थिंग्स होती हैं उसमें भी 12.5%, और साथ ही इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जो थिंग्स होती हैं उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी 10.6%, और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं उसमें अप्रोक्स अगर आप मान के चले तो 23.6% की जो गिरावट है वो इसमें दर्ज की गई है। इसमें अगर मैं आपके साथ बात करूं कि IIP कितना रहा है तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का IIP यानी कि द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या होता है, ये इंडेक्स क्या होता है कि इसमें इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर होते हैं उसका जो डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड जो डिटेल होती है वो ये प्रेजेंट करता है IIP। तो जुलाई की और अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून और जुलाई की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जो IIP था वो था 54, मई में था 89.5, जून में 108.9, और जुलाई में IIP जो है वो रहा है 118.1%। तो ये आपके सामने अप्रैल से लेकर जुलाई तक का टोटल IIP का डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्या बनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ बनी है हमारी वो है करंट फाइनेंशियल ईयर में GDP की अगर हम बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में GDP में 11.5% की जो ग्रोथ है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। अभी हाल ही में मूडीज का इन्वेस्टर सर्विस जो है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इंडियन इकोनॉमी का जो एक ग्रोथ है उसका जो उन्होंने मेजरमेंट लगाया है उसको कम कर दिया गया है। तो उसमें क्या हुआ है कि एजेंसी ने जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी जो GDP की ग्रोथ है उसका जो उन्होंने मेजरमेंट किया है उसको घटाकर 11.5% का उन्होंने अनुमान लगाया है। और इससे पहले एजेंसी ने क्या किया था कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका जो अनुमान था वो 4% की ग्रोथ का अनुमान उन्होंने लगाया था। साथ ही साथ मूडीज़ की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो वीक फाइनेंशियल सिचुएशन है और साथ ही साथ
जो स्लो ये ग्रोथ चल रही है, तो उसी के चलते भारत की जो क्रेडिट प्रोफाइल है उस पर भी इसका काफ़ी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का जो ये महामारी है, इसका जो प्रकोप है ये थमने का नाम ही नहीं ले रही है, और जो सिचुएशन जो है वो भी और ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। साथ ही साथ अगर हम अप्रैल से लेकर जून तक का जो हमारा मंथ गया है, तो अप्रैल से जून का जो मंथ था उसके दौरान अगर हम जीडीपी की बात करें तो वो 23.9% थी, और अगले वित्त वर्ष के लिए यानी कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, वो है 10.6% की ग्रोथ का अनुमान इसमें लगाया जा रहा है। जीडीपी जो है इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, यहाँ मैं आपको जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं तो उसी के लिए ये फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं। जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें हमारा क्या है, सी से कंज्यूम्पशन, आई से इन्वेस्टमेंट, जी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और जो ये है एक्स माइनस एम इसमें है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। तो जीडीपी का फॉर्मूला हमारा क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड फॉर्मूला जो है वो पूछा भी जाता है, तो एक क्वेश्चन आपका ये यहाँ से बन गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को जारी किया 6,195 करोड़ रुपए का अनुदान। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हिस्से किया है तो उसमें हिस्से के जो बंटवारे आए हैं उसमें राजस्व घाटा जो अनुदान है उसमें मासिक किस्त के रूप में टोटल 14 जो राज्य हैं उनको 6,195 करोड़ रुपए की जो राशि है वो अनुदान की गई है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये ट्विटर पे जानकारी दी थी, और साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्विटर में ये भी कहा था कि केंद्र सरकार ने ये जो अनुदान है वो 10 सितंबर को दिया है। मैं आपको डेट भी बता देती हूँ यहाँ पर, 10 सितंबर। तो 10 सितंबर 2020 को टोटल जो 14 स्टेट हैं उनमें ये हिस्से बंटवारे के बाद राजस्व जो घाटा है उसकी छठी जो समान मासिक किस्त है उसके रूप में 6,195 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी की है। ये जो राशि टोटल जो जारी करी गई है ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही इसको जारी किया गया है। अगर हम बात करें कि ये 14 राज्य कौन कौन से हैं जिनको कि अनुदान की राशि दी गई है, तो वो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा। ये टोटल 14 राज्य हैं जिनको कि अनुदान की जो राशि है वो दी गई है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सहित इन बैंकों पर लगाया गया जुर्माना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है इसके साथ साथ और भी जो दो बैंक हैं इन पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें क्या है कि फेमा जो नियम है उसके उल्लंघन को इस लेकर भी इस पर कार्यवाही की गई है। चार्टर्ड बैंक जो है हमारा ये एक विदेशी बैंक है, यानी कि भारत का ये सबसे बड़ा विदेशी बैंक है। तो हम बात करें कि इसके साथ और कौन से बैंक हैं, तो वो हैं हमारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तो है ही, साथ ही साथ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड और MGM। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है हमारा ये इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड यानी कि TMBL पर 17 करोड़ रुपए और MGM पर 35 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय जो है उन्होंने फेमा का जो अधिनियम होता है 1999 उसके तहत क्या था कि शेयरों के जो अलॉटमेंट होता है उसी से रिलेटेड मामले में फेमा के जो प्रावधान होते हैं उसके उल्लंघन को लेकर ये जो 3 बैंक हैं इन पर जुर्माना लगाया गया है। अगर आपको मालूम नहीं हो तो हम आपको बता दें कि ये जो मामला है ये करीब 13 साल पुराना है, जब TMBL ने यानी कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक से
परमिशन लिए बिना ही विदेशी यानी कि फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स थे उनको लगभग अमाउंट की अगर हम बात करें तो लगभग 46,862 शेयर थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। इसमें GHI लिमिटेड, स्विस इन्वेस्टर्स, FI इन्वेस्टमेंट्स और अदर जो थे वो शामिल भी थे। तो इसी के लिए इन शेयरों में से कुछ शेयर को बिना RBI की परमिशन के ही अप्रैल 2008 में स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक का एक जो कॉपरेटिव था उन्होंने सब कॉन्टिनेंटल इक्विटीज़ लिमिटेड में ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो उसी के लिए ये जो मामला है ये चल रहा था, जिसके लिए अब जो है जुर्माना लगाया गया है। और हमारी जो आज की लास्ट न्यूज़ है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत 105वें स्थान पर पहुंचा। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या होती है कि इसमें 162 देश और अधिकार क्षेत्र में जो है आर्थिक स्वतंत्रता को इसमें जो होती है उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो कंट्री में क्या होता है कि कारोबार यानी कि बिजनेस रिलेटेड जो एनवायरनमेंट होता है उसके खुलेपन के बारे में कनाडा की जो एक संस्था है उसी की ओर से प्रकाशित की जाने वाली ये वार्षिक तुलनात्मक रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो कि अभी पब्लिश की गई थी, तो उसमें भारत जो है वो अब 26 जो स्टेप्स है वो नीचे यानी कि 105वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल जो था ये 79 यानी कि 79वें स्थान पर था। इसी लिस्ट में अगर हम बात करें हांगकांग की और सिंगापुर की, तो हांगकांग और सिंगापुर इसमें पहले और दूसरे स्थान पर, और चीन जो है वो इसमें 124वें स्थान पर है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो अगर हम 10 अंक के मेजरमेंट पर यानी कि पैमाने पर सरकार के अकॉर्डिंग अगर इसमें मामलों में हम बात करें तो भारत को एक साल पहले के 1.22 के मुकाबले यानी कि इसमें अंक मिले थे 7.16 अंक जो हैं वो इसमें मिले थे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो लिस्ट है इसमें टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं, तो इसमें सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड जो कंट्रियां हैं वो इसमें शामिल हैं। और भारत को जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है कि भारत 26 स्थान नीचे, यानी कि अब जो भारत का इसमें स्थान है वो 105वां स्थान है। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी वीकली फाइनेंशियली न्यूज़, जो कि हमारा लास्ट वीक गया है उसमें जो हमारी न्यूज़ बनी है उसमें से टॉप न्यूज़। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SP नोटिफायर। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ।